राजस्थान में फिर बड़ा तनाव, करौली बॉर्डर पर रोकी गई भाजपा की न्याय यात्रा, कार्यकर्ताओं और पुलिस के बीच धक्का मुक्की। करौली हिंसा को लेकर भाजयुमो और भाजपा नेताओं ने न्याय यात्रा निकाली। इस दौरान पुलिस ने न्याय यात्रा को करौली बॉर्डर पर रोक दिया, जिसके बाद भाजयुमी कार्यकर्ताओं और पुलिस में झड़प भी हुई। पुलिस ने कार्यकर्ताओं पर लाठी चार्ज भी किया। यात्रा को रोकने से आक्रोशित सतीश पुनिया, सांसद रंजीता कोहली, सांसद मनोज राजौड़िया सड़क पर ही धरने पर बैठ गए। भाजपा युवा मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष तेजस्वी सूर्या ने गहलोत सरकार को चेतावनी दी कि उन्हें अगर जाने नहीं दिया गया तो यहीं पर उग्र आंदोलन किया जाएगा। सूर्या ने कहा कि हर कीमत पर करौली जाएंगे, नहीं तो सामूहिक रूप से गिरफ्तारियां देंगे। इस दौरान गहलोत हमसे डरता है और जय श्री राम की जमकर नारेबाजी हुई। भारी पुलिस बल मौके पर तैनात है। पुलिस ने मौके पर 3 लेयर बैरिकेड्स लगा रखे हैं। पुलिस ने मौके पर मौजूद भाजपा नेताओं और कार्यकर्ताओं से समझाइश करने की कोशिश की। कुशीनगर में बड़ा हादसा, गंडक नदी में नाव पलटने से 10 लोग डूबे, 3 महिला मजदूरों की मौत। उत्तर प्रदेश के कुशीनगर जिले में एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। यहाँ खड्डा थाना क्षेत्र के सालिकपुर मौजा में गंडक नदी से निकली शाखा को छोटी नाव से पार कर रहे 10 मजदूर आज सुबह तकरीबन 8 बजे अचानक डूबने लगे। वहाँ चीख पुकार मच गई। कुछ दूरी पर खेतों में काम कर रहे 2 व्यक्ति उनके बचाव में दौड़े, तब तक ये लोग नदी में गिर गए और डूबने लगे। पुलिस ने गोताखोरों की मदद से जाल डालकर 3 महिलाओं का शव बरामद कर लिया, जबकि 2 साहसी व्यक्तियों के प्रयास से 7 लोगों को बचा लिया गया। क्षेत्रीय विधायक, DM, SP, SDM, तहसीलदार आदि घटनास्थल पर पहुंच गए हैं। नाव से पार करते हैं, तो आज जो घटना हुआ दुखद है, क्योंकि वो नाव उनके ऊपर ही पलट गया, जो बाकी 7 लोगों को बचा लिया गया और ये 3 लोगों को बचा नहीं पाए और आगे इसमें कार्रवाई की जा रही है। सर, मृतक के परिजनों को क्या कुछ मदद जो है वो? हाँ, ये दैवीय आपदा में कवर होता है, तो उसमें जो इनके लिए अनुमन्य है वो पूरा सहायता दी जाएगी। सर, नारायणी नदी में अक्सर देखा जाता है, दियारा इलाका है, यहाँ पे किसान जो है खेती के लिए जाते हैं और कई बार ऐसी घटनाएं घटी कहीं में, तो स्टीमर या कुछ ऐसी व्यवस्था हो जाए जिससे किसान जो है पहुँच सके अपने खेतों तक आसानी से, ऐसी घटना ना घटित हो। नहीं, ये बार बार वहाँ तमकुईरा साइड में भी ये प्रॉब्लम आ रही है, क्योंकि नाव चलाने के लिए किसी को परमिशन तो नहीं दे रहे हैं, फिर भी खेती के लिए लोग इधर से उधर जाना, फिर अपने जान को जोखिम में रख के जाते हैं। हम तो ये प्रयास कर रहे हैं कि इनको जागरूक करें, इस तरह की जो असुरक्षित माध्यम से ये लोग ना जाएं, क्योंकि उनके आजीविका से जुड़ी है। हम इस पर कुछ प्रस्ताव तैयार करा के भेजेंगे शासन को, ताकि इसका कुछ समाधान निकल सके। चुनाव से पहले हिमाचल में BJP को लगा झटका, कई नेता आम आदमी पार्टी में शामिल। हिमाचल प्रदेश में विधानसभा चुनाव से पहले ही नेताओं के दल बदल का खेल शुरू हो गया। आम आदमी पार्टी के कई नेता भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो चुके हैं। यही वह है कि राजनीतिक दलों में खलबली मची हुई है। इस बीच एक और बड़ी खबर सामने आई है। दरअसल नेताओं और कार्यकर्ताओं के इस तरह पार्टी छोड़ने के बीच आम आदमी पार्टी ने भी BJP को करारा जवाब दिया है। आज हिमाचल प्रदेश के कई BJP नेताओं ने आम आदमी पार्टी का दामन थामा है। दिल्ली स्थित आप मुख्यालय में पार्टी के दिग्गज नेता और प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन की मौजूदगी में भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य और पूर्व उपाध्यक्ष, 80 मोर्चा व 30 साल से अधिक उच्च पद पर रहे कार्यकर्ता हरमल धीमान ने आम आदमी पार्टी ज्वाइन की है। आज श्री हरमल धीमान जी, जो कि BJP के नेशनल एग्जीक्यूटिव मेंबर हैं, 80 मोर्चा के राष्ट्रीय पदाधिकारी हैं, पहले ये वाइस प्रेसिडेंट थे हिमाचल प्रदेश BJP के, SC मोर्चा के, और 30 साल से ये BJP के बहुत ही एक्टिव कार्यकर्ता रहे हैं कसौली विधानसभा की सभा से। तो हरमल धीमान जी BJP की नीतियों से त्रस्त होके आज आम आदमी पार्टी को ज्वाइन कर रहे हैं। उनके साथ कई सारे साथी हैं, बाकी लोग तो कसौली में ही ज्वाइन करेंगे, अभी कुछ ही लोग आए हैं यहाँ पर। तो देवराज जी हैं, जो 2 टाइम मंडल अध्यक्ष हैं, BJP के 2 बार मंडल अध्यक्ष रह चुके हैं, और जगदीश पवार जी हैं, जो 2 टाइम BJP की ओर से प्रधान और BDC मेंबर रह चुके हैं, जिला परिषद के मेंबर भी रह चुके हैं। तो आज हरमल धीमान जी आम आदमी पार्टी को ज्वाइन कर रहे हैं, हम उनका स्वागत करते हैं। शरद पवार के घर पर हमले के मामले में पुणे में पत्रकार गिरफ्तार, 115 में से 109 आरोपी भेजे गए जेल। मुंबई में बीते दिनों राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी प्रमुख शरद पवार के घर पर हमले के आरोप में आज पुणे से एक पत्रकार को गिरफ्तार किया गया। इस मामले में 115 आरोपियों में से 109 को जेल भेजा जा चुका है। 8 अप्रैल को पवार के घर के बाहर प्रदर्शन व हमले की घटना को लेकर मुंबई के
जोन 2 के डीसीपी योगेश कुमार को पहले ही हटा दिया गया है। पवार के घर के बाहर एमएसआरटीसी के कर्मचारियों ने विरोध प्रदर्शन किया था। इस संबंध में मुंबई पुलिस ने 115 लोगों पर केस दर्ज किया है। पुणे से गिरफ्तार पत्रकार को मुंबई लाया जा रहा है। इस बीच पवार के घर हमले के मामले में मुंबई में गिरफ्तार किए गए वकील गुररत्न सदावर्ते को सतारा पुलिस भी हिरासत में लेगी। वकील ने महाराष्ट्र में हड़ताल कर रहे रोडवेज कर्मचारियों का प्रतिनिधित्व होने का दावा किया था। कोर्ट ने उसे जेल भेज दिया है। इस बीच महाराष्ट्र सरकार ने पवार की बेटी सुप्रिया सुले की सुरक्षा एक्स श्रेणी से बढ़ाकर वाई कर दी है। ब्यूरो रिपोर्ट, टीम न्यूज़ टॉक।